जी हाँ अलैकुम रेहाइए जी भाई फरमाइए जी महबूब भाई असल बांग्लादेश अच्छा हिंदी और उर्दू इतनी अच्छा मैं नहीं जानता समझ सकता हूँ आप बहुत अच्छी जानते हैं शानदार बोल रहे मेरा एक सवाल है आप एक बार बोल रहे थे कि अल्ला, अल्ला ने टाइम टाइम तो अल्ला के अंदर नहीं हो सकती तो अल्लाह कैसे है ये सवाल आपका मुकम्मल हो गया ठीक है, थीक है। थीक। तो देखें जब अल्लाह तला टाइम के अंदर अगर होगा तो क्या वो टाइम बना सकता है वही तो सवाल है मेरा आप कोई एक ऐसी मिसाल दे सकते हैं कि एक चीज ने जिस चीज के अंदर वो है खाली स्पेस की बात नहीं हो रही है उसको बना लिया कोई ऐसी मिसाल है तो वही तो हम लोग नहीं जानते इसलिए नहीं जानते कि सवाल प्रॉब्लम कहाँ आती है प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब हम खुदा को अपने जैसा समझते हैं हम ये समझते हैं कि जिस तरह हम टाइम के बाहर और स्पेस के बाहर सोच नहीं सकते हमारी जितनी भी सोच है इमेजिनेशन है वो टाइम बाउंड है तो खुदा भी ऐसा ही होगा भाई अगर खुदा भी टाइम बाउंड हुआ तो मेरे और खुदा में क्या फर्क हुआ फिर मैं खुदा की इबादत करूं ही क्यों खुदा को जब हम ऑमनीपोटेंट एंड ऑल पावरफुल मान रहे हैं और इटर्नल मान रहे हैं कि वो हमेशा से और हमेशा से हमेशा तक रहेगा और टाइम इटर्नल नहीं है तो फिर तो खुदा का टाइम से पहले और बाद में और ये ताबीर भी भी हमारी तापीर है, तापीर भी गलत है खुदा का हमेशा हमेशा रहना जरूरी हुआ टाइम बाउंड वो ही नहीं सकता जो चीज टाइम बाउंड होगी उसकी एंडिंग जरूरी है उसकी बिगेनिंग जरूरी है और जिस चीज की बिगेनिंग हो वो खुदा नहीं हो सकता सिंपल सी बात है यही बात में नहीं समझ पाती हूँ कि हमेशा हमेशा की है ये कैसे भाई ये इस तरह होगा कि अगर खुदा हमेशा ना हो तो फिर सवाल ये होगा कि उस खुदा से पहले भी कोई चीज है या नहीं होगा जब खुदा हमेशा से नहीं होगा बल्कि मसलन पंद्रह बिलियन साल पहले खुदा का वजूद हुआ तो अब ये सवाल होगा कि उस खुदा को किसने पैदा किया चूंकि उसको किसी ने मौजूद वजूद वु, वु, बख्शा तो मौजूद हुआ ना तो किसने वजूद बख्शा ये सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ए एहे तो ये सवाल होना चाहिए ठीक अब जब ये सवाल हो गया रुक जाइए अब जब ये सवाल हो गया तो हम ये कहेंगे नहीं जी इस खुदा को जो पंद्रह बिलियन साल पहले आया उसको फला खुदा ने वजूद बख्शा और वो फला खुदा तीस बिलियन साल पहले आया इसी तरीके से आप चलते रहो जब आप चलते रहेंगे तो मेरा और आपका एग्जिस्टेंस कभी हो ही नहीं सकता ये मुमकिन ही नहीं कि हमारा एग्जिस्टेंस हो जाए अगर हम इनफिनिट रिग्रस को पॉसिबल मान ले और पीछे चलते रहे हमेशा कि इस खुदा को उस खुदा ने बनाया उस खुदा को उस खुदा ने बनाया और कभी कहीं स्टॉप ना हो तो मैं और आप कभी भी मौजूद नहीं हो सकते लेकिन मैं और आप मौजूद हैं इसका मतलब यह है कि यह सिलसिला माजी में पास्ट में हमेशा नहीं चल रहा है यह इन्फिनिट रिग्रेस है इन्फिनिट रिग्रेस इम्पॉसिबल है लिहाजा ये मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई ऐसा खुदा है जो हमेशा से और हमेशा रहेगा सिंपल बात भाजी बहुत आसान आर्ग्यूमेंट है आसान हम है उस पर ना वक्त कैसे नहीं असर करता या वो हमेशा से कैसे है आपको, आपको, आ, आ, आप आपको ये बात समझ नहीं आती आप पानी के अंदर रह सकते हैं सरवाइव कर सकते हैं नीचे पानी में गहरे पानी में अगर हम ऑक्सीजन ले तो वो नहीं वो अंडर सी बात है नहीं नहीं वो चीजें नहीं आजकल साइंस ने तरक्की कर ली हमें कैदे बड़ी लगानी पड़ती है अच्छा देखें उसके बगैर अंडरस्टूड सी बात है being, जिस तरह आप अभी हैं आप गहरे पानी के अंदर सरवाइव कर सकते हैं तो नहीं। नहीं, मछली कर, है? नहीं, 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 कर सकती है हाँ आप पानी के बाहर सरवाइव कर सकते हैं अभी जमीन कर रहे हैं, हैं। पर ऑक्सीजन है हाँ आ, कर सकते हैं।, सकते हैं हाँ जबरदस्त वो मछली बाहर आ जाए वो कर सकती है आ, नहीं वो नहीं कर सकती इसका मतलब ये है कि आप दोनों के सर्वाइवल के लिए उस मछली के सर्वाइवल के लिए पानी जरूरी है आपके सर्वाइवल के लिए पानी से बाहर खुशकी जरूरी है इसका मतलब है कि आप वो मखलूक है जिनके सर्वाइवल के लिए ये चीजें जरूरी हैं इसी तरीके से टाइम इस मखलूक के लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी है मिसाल के तौर पर आपने कॉलेज जाना है तो या आपने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है या आपने कल को जॉब करनी है तो आप माँ के पेट से जब जन्म लेता है एक बच्चा उसको वक्त दरकार है कि वो जवानी के अरसे पर पहुंचे इस कदर सख्त जान हो जाए जवान हो जाए यूथ में पहुंच जाए ताकि वो कर सके इसके लिए वक्त जरूरी है जब आप ये हकीकत समझ जाएंगे कि वो चीज़ जो आपके सर्वाइवर के लिए जरूरी है वो तो आप प्रफेक्ट करेगी मगर अल्लाह की जात इससे बहुत बुलंद है कि उनको इन चीजों की जरूरत हो लिहाजा वो वक्त के बगैर भी सर्वाइव करता है वो जिंदा हय्य क्यूम है हय्यमूत है।, है।, है बिल्कुल इस मिसाल को यूं समझें कि जैसे मछली पानी से निकल मैं अल्लाह की मिसाल नहीं दे रहा मगर आपने कहा समझ नहीं आता कि वो वक्त के बगैर कैसे है समझ नहीं आता हमेशा से कैसे है जैसे आपको पानी में आप जाकर नहीं रह पाते मछली वहां से नहीं निकल पाती ये उनकी हदें हैं यही वजह है कि आपको ये चीज हकीकत समझ नहीं आती क्योंकि आप अपने दायरे में खुदा को लाकर सोच रहे हैं खुदा इन चीजों से बहुत ऊपर है कि वो इन चीजों का मोहताज हो वो इसके बगैर भी हयुन कयूम है सिंपल सी बात है ठीक है भाई चले जी अब अगले कॉलर को ले लीजिए जी जजाकर महबूब भाई सलाम